Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. Today we are going to study symbolism in Hedda Gabler. What is symbolism? A symbol is the use of a concrete object to represent an abstract idea. सिम्बल वो मजबूत चीज़ का इस्तेमाल है जो कि पेश करता है एक मुनफरद ख्याल को. द टर्म सिम्बल व्हेन यूज्ड इन लिटरेचर इज़ ऑफन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्सन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन रिप्रेजेंट समथिंग इन एडिशन टू इट्स लिटरल मीनिंग. कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लिटरेरी सिम्बल्स वर्क इन मच द सेम वे एंड because they have a previous agreed upon meaning they can be used to suggest ideas universal than the physical aspect itself. Okay ji, now we are moving towards this question, symbolism in Hedda Gabler. Bring out dramatic significance of the symbols used in the play Hedda Gabler. ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस यानी हमने इम्पॉर्टेंस देखनी है सिम्बल्स की ड्रामेटिकली जो कि प्ले में इस्तेमाल हुए हैं. हेनरिक जॉन इब्सन वॉज अ मेजर 19th century नॉर्वेगियन प्ले राइट, theatre director and poet. He is often referred to as the father of realism and one of the founders of modernism in theatre. Henrik John Ibsen Hedda Gabler का writer था और father of realism कहलाया जाता है and also the founder of modernism. Henrik Ibsen's play Hedda Gabler is primarily concerned with representing and critiquing bourgeois Norwegian society in the 19th century. In order to achieve this, the play employs symbolism to represent the psychological states of individuals and give power to the delivery of key themes. The setting of Hedda Gabler remains unchanged throughout the play. The setting एक symbol है जिसके बारे में हम discuss कर रहे हैं कि setting जो थी उस play की वो unchanged रही, यानी उसको बदला नहीं गया पूरे play में. It is significant symbolically as it demonstrates the domestic cage into which Hedda as a woman and wife had been cast. जी, डोमेस्टिक केज भी यहाँ पे एक सिंबल के तौर पे लिया जा रहा है. डोमेस्टिक केज यानी एक घरेलू कैद खाना कह सकते हैं, और हेडा जैसी औरत के लिए जो कि एक डोमिनेटिंग औरत थी जिसमें हेडा को बंद कर दिया गया था एक बीवी की शक्ल में. The dark somber colors of the drawing room presents the monotonous landscape that constitutes her prison, relieved by a glass door that looks out onto autumn foliage. ये एक और सिंबल है हेडा गैबलर में कि उसके ड्राइंग रूम के कलर्स गहरे रंग के थे जो कि एक जैसी सीनरी को रिप्रेजेंट करते थे, यानी उसका वो एक कैद खाना दिखाया जा रहा है कि जिस तरह एक कैद खाने के जो बाहर के नज़ारा है वो तब्दील नहीं होता, तो उसका भी जो ड्राइंग रूम के रंग थे वो यही रिप्रेजेंट करता था कि वो एक जैसा नज़ारा दिखाया जा रहा है जहाँ से उसको रिलीव किया जा रहा है एक शीशे के दरवाज़े से जो कि बाहर की तरफ का नज़ारा दिखा रहा है, लेकिन बाहर का नज़ारा भी ख़ज़ां का नज़ारा है, यानी बाहर भी जो मौसम दिखाया जा रहा है वो ख़ज़ां है जो इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है कि घर के बाहर भी उदासी है और घर के अंदर भी उदासी का माहौल. थ्रू आउट द एंटायर प्ले द ऑडियंस इज़ विजुअली रिमाइंडेड ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द spiritual barrenness of the house which opens out to deteriorating life, all yellow and withered, nearing the season of death. पूरे प्ले में आपको ऑडियंस को दिखाई दे रहा है कि ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है स्पिरिचुअल बैरननेस की, यानी स्पिरिचुअली बिल्कुल एम्प्टी हैं, खाली हैं, और बाहर की दुनिया दिखाई जा रही है कि बिल्कुल पीली है, ड्राई है, जो कि एक सीज़न ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑटम जो है वो एक मौत का मौसम है. हर फ्रस्ट्रेशन एट हर पावरलेसनेस एंड डिपेंडेंस ऑन टेस्ट मैन इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द रिपीटेड इमेज ऑफ लुकिंग आउट ऑफ द ग्लास डोर. हेडा जो है बार बार ग्लास डोर से बाहर देख रही है, ये भी इस बात का सिंबल है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. द ग्लास डोर इन इटसेल्फ इज़ ऑन easily breakable barrier between her entrapment and the outside world. She longs for freedom to catch a glimpse of outside world that wasn't allowed to know about, but the transparent barrier confines Hedda. वो बाहर की दुनिया का एक नज़ारा लेना चाहती है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट बैरियर है ये उसको महदूद कर देता है हेडा को जबकि वो देखना चाह रही है कि बाहर की दुनिया कैसी है। एक और सिंबल हम आगे पढ़ेंगे, द इमेज ऑफ हर वॉकिंग नर्वसली अक्रॉस द इनक्लोज ड्राइंग रूम एंड टैपिंग नर्वसली। ये सारी सिचुएशंस हैं जो कि सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल की गई हैं हेडा के प्ले में, हेडा गैबलर में। On the glass door symbolize that the society in general has imprisoned her due to its restrictive definition of femininity। जी, यहाँ पे restrictive definition of femininity का मतलब ये है कि हेडा को imprison कर दिया गया था बीवी के मखसूस रोल में, यानी उसको जॉब करने की इजाज़त नहीं थी, बिज़नेस करने की इजाज़त नहीं थी, बस सिर्फ यही था कि उसने घर संभालना है और बच्चे पैदा करने हैं। हेडा स्ट्रगल्स अगेंस्ट द रोल ऑफ सबसर्विएंट वाइफ एंड मदर कैन बी एक्सप्लेन बाय हर मैस्कुलिन अपब्रिंगिंग एंड द स्ट्रॉन्ग फादर फिगर दैट डोमिनेट्स हर सबकॉन्शियस। पोर्ट्रेट ऑफ जनरल गैबलर अनइंटेंशनली मूव्स हेडा's सबकॉन्शियस टू डोमिनेट ओवर अदर्स। इट सिंबलाइजेज हेडा's स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू अ मिलिट्री पास्ट व्हिच एम्फसाइजेज कन्फर्मिटी एंड डिसिप्लिन। जी, उसके फादर का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ था उससे ये शो होता था कि उसका बड़ा गहरा कनेक्शन है अपने एक मिलिट्री पास से, जो कि उसको इस चीज़ पर ज़ोर देता है कि वो घर में भी डिसिप्लिन रखे और घर में हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। In addition to this effect, the origins of the house itself is also symbolic. It had once belonged to the late Mr. Fogg, a cabinet minister. जी, ये घर भी जिसमें हेडा रहती थी, जो उसने ख़रीदा था अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर टेस्टमैन के साथ, वो भी सिंबॉलिक है क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ मिस्टर फॉग के साथ था जो कैबिनेट मिनिस्टर था। This draws the concept of class consciousness and social status. The house also reminds one of the departed soul. It symbolizes the decline of the power of the aristocracy in 1890s. The pistols given by her father are the symbols of masculine power and aggression. जी, इसके फादर ने इसको एज अ सॉवेनियर पिस्टल्स गिफ्ट की थी, जो कि सिंबल हैं मैस्कुलिन पावर के और एग्रेशन यानी गुस्से के। They gave Hedda the power of life and death. मतलब वो इससे ज़िंदगी और मौत को काबू करना चाहती है। दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच हेडा कैन एक्सर्ट हर कंट्रोल ओवर अदर ह्यूमन बींग्स फेट, यानी वो दूसरों की किस्मत पर हावी होना चाहती है इन पिस्टल्स के ज़रिए। आयरॉनिकली द पिस्टल ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट हर डाउनफॉल एंड डेथ। और हम अगर आयरॉनिकली बात करें तो यही पिस्टल उसी की डेथ का सबब बनी। इब्सन कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस दैट हेडा इज़ टू बी रिगार्डेड रादर एज हर फादर्स डॉटर दैन एज हर हस्बैंड्स वाइफ। यहाँ पे हमें राइटर मुसलसल रिमाइंड करा है कि हेडा जो है वो ज़्यादा अपने बाप की बेटी है, ना कि वो अपने हस्बैंड की वाइफ। Another symbol we are going to discuss is easy chair and the stove are also symbolic. The easy chair connotes the throne, that is the seat of power. Originally, Hedda is the one who sits in it, connoting the fact that she holds the power, although it is restricted to the domestic sphere. यानी वो उस chair पे जाके बैठ जाती थी ये दिखाने के लिए कि वो मलका की तरह उस घर में रहती है, लेकिन उसकी जो पावर थी वो एक घरेलू स्फेयर तक महदूद थी। शी इज़ अ स्ट्रॉन्गर फिगर इन हर रिलेशनशिप विद टेस्टमैन एज शी सर्व्स हर लाइक अ लॉयल एडमायरिंग सब्जेक्ट। ही सेज इट्स सो जॉली वेटिंग ऑन यू हेडा। Shifts in power in the last act as the play progresses can be demonstrated through the easy chair. On Bragg's visit, Hedda is sitting on the chair. जब जज ब्रैग विज़िट करता है आखिरी एक्ट में तो हेडा बिल्कुल आराम से चेयर पे बैठी होती है। ब्रैग ग्रास्प द बैक ऑफ इट, और वो ब्रैग उसके पीछे से आके चेयर पकड़ लेता है। लीनिंग ओवर हर टू क्लेम प्रॉपर्टीरशिप एंड हैंस इट इज़ ब्रैग्स कंट्रोल ऑफ हेडा, कि उसने मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लिया है हेडा के ऊपर। एट द एंड द स्टेज डायरेक्शन शोज दैट ब्रैग थ्रू मैनिपुलेटिव मैथड्स हैज़ सीज्ड द थ्रोन एंड होल्ड्स पावर ओवर हेडा। आखिर में यही दिखाया जाता है कि उसने हेडा के ऊपर अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल कर लिया है और अब मुकम्मल उसको इख्तियार हासिल है हेडा के ऊपर। द अदर ऑब्जेक्ट द स्टोव होल्ड्स फायर एंड इज सिम्बॉलिक ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस। यहाँ पे स्टोव भी एक और सिंबल है जो कि भड़कती हुई आग को दिखा रहा है और ये सिम्बॉलिक है डिस्ट्रक्टिवनेस यानी तबाही का। अ करेक्टर ट्रेट मोस्ट एसोसिएटेड विद हैडा, इसको हैडा के साथ इसलिए एसोसिएट करें हैं कि हैडा इस कदर जेलस हो गई थी और उसकी जेलसी ने हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर दिया। शी इज़ मोस्ट ऑफन सीन टू बी incessantly moving and standing by stove besides a glass door. The scene where Hedda manically burns the manuscript in the stove shows true extent of her malice and selfishness. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि हैडा जो है उस पर इतना पागलपन सवार होता है और वो jealousy में और selfishness में इतनी ज़्यादा आगे निकल जाती है कि वो manuscript फाड़ देती है, जला देती है। What utterly appalls the reader in the burning of the manuscript is that Hedda has destroyed Lovborg's vision of the future, his hope of spiritual redemption and realization of his bohemian ideas. He says, "Devil knows what hands it's fallen into." ये मैन्यूस्क्रिप्ट का फाड़ना जो है या जलाना जो है ये हैडा ने ना सिर्फ वो मैन्यूस्क्रिप्ट तबाह और बर्बाद कर दिया होता है बल्कि उसने लवबॉग का जो फ्यूचर विजन होता है वो भी उसने बर्बाद कर दिया है और उसकी लवबॉग की जो होप थी कि वो बेहतर इंसान बन जाएगा और उसके आगे फ्यूचर में जो उसकी प्रॉस्पेरिटी के मौके थे वो भी उसने बर्बाद कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे लवबॉग ये कह रहा है कि डेविल नोज़ व्हाट हैंड इट्स फॉलन टू, इसका मतलब ये है कि शैतान ही जानता है कि वो किसके हाथों में चला गया। एज ही सीज हिज लॉस्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट टू बी वर्स दैन किलिंग अ चाइल्ड, यानी उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट खो गया था वो एक बच्चे के कत्ल से बदतर था। द मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ रेफर टू सिम्बॉलिकली एज अ चाइल्ड, मैन्यूस्क्रिप्ट को सिम्बॉलिकली एक बच्चे की तरह लिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएशन लव एंड इंस्पिरेशन बिटवीन थिया एंड लवबॉग, जो थिया एंड लवबॉग की इंस्पिरेशन और मेहनत का नतीजा था। द डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ अ चाइल्ड इज़ इनएक्सक्यूजेबल डिस्पाइट द सोशल रिप्रेशन ऑफ हर इंडिपेंडेंस एंड स्टेरिलिटी ऑफ हर स्पिरिट विच हैव लेड हर टू सच अ क्राइम। आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, द चाइल्ड इलियट लवबॉग गेव यू, यानी वो इतनी जेलस हो रही थी इससे कि इलियट लवबॉग और थिया ने मेहनत से मिलकर ये मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया था कि वो जब वो जला रही थी मैन्यूस्क्रिप्ट तो उसके ये अल्फाज होते हैं कि मैं वो बच्चा जला रही हूँ जो इलियट लवबॉग ने तुम्हें दिया था। The fact that Hedda's hair is not noticeably abundant signifies her lack of spiritual substance, her incapability to experience the depth of emotional responsibility, especially pertaining to motherhood. यहाँ पे ये जो हैडाज़ हेयर है ये भी सिंबल के तौर पे लिया जा रहा है कि क्योंकि उसके बाल कम थे तो उसमें जो मदरहुड की एक इमोशनल टच होती है वो भी कम है, यानी शी इज़ नॉट दैट मदरली, या उसको कोई शौक़ नहीं था बच्चे पैदा करने का या मदरहुड को एक्सपीरियंस करने का। ऑन द अदर हैंड थिया इज़ अ वुमन वेरी मच इन टच विद हर फेमिनिन साइड, हर हेयर बीइंग रिमार्केबली फेयर, एक्सेप्शनली थिक एंड वेवी, दस हर हेयर हाईलाइट्स हर फेमिनिटी एंड शी इज़ capable of love, serving to inspire Lovborg. Vine leaves in the hair is a repeated image made by Hedda in relation to her former lover. Hedda wants Lovborg to succeed as she desires to witness success and empowerment. जी वाइन लीव्स इन द हेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है जो रिपीटेडली प्ले में हमें दिखाई दे रहा है और हैडा इसका इस्तेमाल करती है इस इमेज का, और इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल होना यानी वाइन लीव्स इन द हेयर यानी एक किस्म का क्राउन सर पे पहनना वाइन लीव्स का। इट इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, हीरोइज्म एंड कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। द कैरेक्टर ऑफ आंट जूजो, आंट जूजो जो है वो भी एक सिंबल के तौर पे लिया जा रहा है और किस लिए सिम्बॉलिक है वो हम देखते हैं। The character of Aunt Jojo is also symbolic. She is the embodiment of the accepted notions and concepts of womanhood in the 19th century. She is a woman who wholly and completely conforms to the limited role imposed upon her by the male-oriented society. She does not marry and accepts spinsterhood as her fate. यानी वो सारी उम्र शादी नहीं करती और बस कंवारी रहती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है जो कि रोल होता है अनमैरिड लोगों का, या कह लें स्पिंस्टर का रोल जो होता है, जो सारी उम्र शादी नहीं करते लेकिन वो सोसाइटी की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। टू फीमेल कैरेक्टर्स आंट रीना एंड मैडमोजेल डियाना आर आल्सो सिम्बॉलिक, दो दे आर इनसिग्निफिकेंटली एंड वेगली पोर्ट्रेड, दे आर ओनली एलूडेड टू एंड नेवर रियली अपीयर इन द प्ले। यहाँ पे दो और ख़वातीन के बारे में बताया गया है। एक आंट रीना है जो कि डॉक्टर टेस्टमैन की खाला है, और इसी तरह मैडमोजेल डियाना है। एन इनवैलिड और सिक वुमन करैक्टर इज़ वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इब्सन्स प्लेज। दिस काइंड ऑफ करैक्टर शोज़ द मिजरेबल plight ऑफ द ओल्ड वुमेन इन हिज टाइम्स। डिस्पाइट हर सिकनेस, आंट रीना knits a pair of socks for Tasman in order to show her love for him. It demonstrates the hard-working role of old women. The character of Mademoiselle Diana is also very pitiable in a sense, as she has been forced to adopt the prostitution by the society, as the young women of Ibsen's time had no professional choices left with them.